बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीष तिवारी ने मोदी की सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे देश में साइलेंट हवा चल रही है, ये वह पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा कि जिन काने सीटों पर चुनाव हुआ है उन सब में कांग्रेस को और क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़त मिलेगी, जबकि मोदी की सरकार सूट बूट वालों की, कोट पेंट वालों की सरकार है और व्यापारियों की सरकार है। इसमें गरीब किसान के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसका अब इन चुनावों में लोग जवाब दे रहे हैं। इस अवसर पर उनके साथ पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष KP राणा भी मौजूद रहे। अनुसूचित जाति विभाग ब्लॉक कांग्रेस ने रविवार को रैन बसेरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 128वीं जयंती धूमधाम से मनाई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक नंदलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के अध्यक्ष चुन्नी लाल ने की। इस दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। रामपुर के विधायक नंदलाल ने अपने भाषण में प्रदेश की भाजपा सरकार और मोदी पर खूब टिप्पणियां की, लोगों से इस लोकसभा चुनावों में भाजपा को सबक सिखाने की अपील की। रामपुर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम नवमी के पर्व पर सत्यनारायण मंदिर में राम जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर में भजन कीर्तन के बाद रामपुर बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री देव कुमार नेगी ने कहा कि भगवान राम समस्त मानवता के आराध्य देव एवं आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि त्रेता युग में राम का जन्म हुआ तब तक इस्लाम, ईसाइत और अन्य किसी भी धर्म का प्रभाव धरती पर नहीं हुआ था। युवाओं को नशों से दूर रखने के लिए निर्मण ने हिमाचल दिवस के अवसर पर एक अभियान शुरू किया। आनी उपमंडल के निर्मण खेल परिसर में युवक मंडल निर्मण द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ तहसीलदार निर्मण नीरजा शर्मा ने किया। युवाओं को नशों से दूर रहकर खेलकूद में हिस्सा लेने का संदेश देते हुए इस प्रतियोगिता का आज आगाज हुआ। इस अवसर पर युवक मंडल ने विभिन्न क्षेत्रों से अपने प्रदेश का नाम रोशन करने वाले शख्सियतों को सम्मानित किया। इसी कड़ी में DSP रामपुर अभिमन्यु वर्मा को पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, सुनील शर्मा सिरमौर को एशियाई खेलों में मैराथन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने, सुशीला वर्मा, अनुज मधारी, आशीष टांगा को क्रमशः हलासन, शीर्षासन, चक्रासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने नशे से दूर रहने का आह्वान किया। अनुज मदारी ने बताया कि उन्होंने हलासन महलासन में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नाम दर्ज किया है। आज हिमाचल दिवस को उन्हें निर्मण में सम्मानित किया गया है। वहीं सुशीला वर्मा ने बताया कि उन्होंने हलासन में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने पर उन्हें नारी राज्य सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। बद्दी में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली निकालकर जैसे आफत मोल ले ली है और कांग्रेस को चुनावों के समय में एक मुद्दा दे दिया है, जिसे अब कांग्रेस भुनाने में जुट चुकी है और भाजपा अध्यक्ष पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस कार्यकर्ता अधिवक्ता ने उनकी जीभ काटने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है, वहीं अब सोलन शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद ने उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की बात कही है। सोलन शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपनी हार को समीप देखकर बुरी तरह बौखला चुके हैं। वे कांग्रेस अध्यक्ष की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं, यही कारण है कि वे अनाप शनाप बयानबाजी करने में जुट गए हैं। सूद ने कहा कि वे जल्द से जल्द सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।